गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टेंथ क्लास की फिजिक्स। और टेंथ क्लास की जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर हमारे पास फाइव चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर वन लाइट। इस चैप्टर के अंदर हम नेचुरल फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो आप एट्थ क्लास में पढ़ के आ चुके हो। चैप्टर नंबर सेकेंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर भी आपने एट्थ क्लास में ही रीड किया स्कूल। चैप्टर नंबर थ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर फोर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर फाइव मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने जो टेंथ क्लास की फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स एक तरह से एट्थ क्लास में पढ़ी हुई होगा। लाइट चैप्टर भी आपने एट्थ क्लास में पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर टेन होता है वहाँ पर भी, और टेंथ क्लास में चैप्टर नंबर टेन ही है। ह्यूमन आई भी वहाँ पर चैप्टर नंबर 11 और यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 11 है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप SST में पढ़ते हो और साइंस में पढ़ते हो, आपने एट्थ क्लास में पढ़ा हो इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा है, एट्थ में पढ़ा, बट ये जो चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर फाइव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके लिए एक नया चैप्टर होगा। और हमारे पास जो चैप्टर होंगे, ये टोटल कितने मार्क्स के हमारे पास पेपर आते हैं, 26 to 27 मार्क्स। 26 to 27 मार्क्स हमारे पास फिजिक्स रहती है। और इन 26 to 27 मार्क्स में हमारे पास जो लाइट चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर हमारे पास थोड़े लेंथी चैप्टर हैं, और इनके मार्क्स भी 7 to 8 और 7 to 8 इसको दिए जाते हैं इन दोनों को। और साथ में ये 4 से 5 और ये 4 से 5 मार्क्स के हमारे पास ये चैप्टर रहेंगे, ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है हमारे पास, इसके जो मार्क्स हैं वो कंफर्म नहीं है। ये जो चैप्टर है ये 2 से 3 मार्क्स में भी आ सकता है, कई बार 1 मार्क्स में भी आया है इसलिए, तो इसमें हमें कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट से, और हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास जो 14th 12th तक हमारे पास डेज हैं, हम एक अपना ये लाइट चैप्टर कवर कर लें। और स्टूडेंट्स, आपने भी इसको अच्छे से कवर करना है, घर पर इसके बारे में पढ़ना है। जो भी आपको समझ में ना आए, आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप यूट्यूब पे वगैरह जो और वीडियो हैं उनको भी देख सकते हो। इसके बारे में आप NCERT बुक अपने डाउनलोड कर सकते हो, PDF आपके पास पूरी बुक आ सकती है, घर बैठे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पूरे चैप्टर को NCERT के। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अपना होगा लाइट। देखिए, जो चैप्टर नंबर लाइट फर्स्ट आपका लाइट है, अगर हम चैप्टर का नाम ही डिस्कस करें, लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट होती क्या है। लाइट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दें, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आर आई एनिमल्स, जो हमारी आई के अंदर जाती है और सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, उस सेंसेशन से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट हमारे पास मेनली क्या, एक एनर्जी है जो किसी दूसरी एनर्जी से बनाई जा सकती है। आपने ये एट्थ क्लास में इसके बारे में या नाइन्थ क्लास में पढ़ा हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना ख़त्म कर सकते। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो लाइट की जो डेफिनेशन होगी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन आर आई, जो क्या करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारी आई के अंदर। अब हम इस चैप्टर के अंदर हमें जो फोकस करना है, अपना जो सिलेबस है, एक तरह से पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो दो पार्ट हम लाइट को डिवाइड कर देते हैं, लाइट के दो पार्ट डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट रहेगा
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पोर्शन आपने सेवेंथ क्लास में पढ़ा है। सेकंड पोर्शन रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पोर्शन आपने एट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, और अब हम जो इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी होगी, उसके बाद इमेज की पोजीशन निकालनी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, बहुत सारी टर्म होंगी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए। एक थोड़ा अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, अगर आप जो समझोगे तो आपको आ जाएगा आसानी से, और हम कोशिश करते हैं आपको ये समझ में आए। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात